साथियों, आप लोगों ने अपने प्रयास से कई बार मल्टीमीडिया कंटेंट बनाए होंगे और मल्टीमीडिया कंटेंट कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इसे हम इस वीडियो से जानेंगे। साथियों, पिछले कई सालों से एससीईआरटी में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के कंटेंट के ऊपर मल्टीमीडिया कंटेंट बनाया जा रहा है और ये उपलब्ध है यूट्यूब में। और यूट्यूब में आप जानते हैं कि पीडीडी छत्तीसगढ़ चैनल के बारे में आपने सुने ही होंगे। यूट्यूब में जाके यदि आप पीडीडी छत्तीसगढ़ को सर्च करते हैं तब वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, लोगों को टच करिए और उसके बाद आप देखेंगे कि कक्षा 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं के सभी विषय के मल्टीमीडिया कंटेंट उपलब्ध है। ये कहीं पर भी आप इस कंटेंट को देख सकते हैं। इन कंटेंट को आप कक्षा शिक्षण में भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये सभी ओईआर कंटेंट है। इसके लिए किसी प्रकार के आपको राशि की भुगतान नहीं करना है, ये फ्री कंटेंट है। इसके अलावा भी ये कंटेंट जियो टीवी ऐप में भी उपलब्ध है जो कि प्रतिदिन ये जियो टीवी ऐप में, ये एक मोबाइल ऐप है, इसमें ये प्रसारित हो रहा है। साथ ही में टीआईएस मुंबई के द्वारा बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे कक्षा 9वीं और 10वीं के खास करके गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में बहुत सारे कंटेंट बनाया है। इसमें बहुत सारा जो है गतिविधि आधारित कंटेंट भी है जिसको हम गेमिफिकेशंस बोलते हैं। ये कंटेंट भी क्लिक्स ओईआर के जो साइट में यदि आप जाएंगे वहां पर भी ये उपलब्ध है। अब देखते हैं मल्टीमीडिया कंटेंट में क्या क्या इनपुट आप यूज कर सकते हैं। देखिए, मल्टीमीडिया आज भी जैसे कि सभी घरों में सभी के पास बहुत अच्छे स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन से भी आप वीडियो आप यूज कर सकते हैं, आप अपने साउंड को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम इसमें आगे अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ का उपयोग करके हम एक बेहतर मल्टीमीडिया कंटेंट को बना सकते हैं। देखिए, इसमें एक तो महत्वपूर्ण पार्ट होता है ऑडियो, यानी कि आप जब उसको समझाएंगे वो पार्ट आप ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। और सिमुलेशन में ये एक एनिमेटेड एक्टिविटी वीडियो है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी वीडियो है जिसे हम वर्चुअल रियलिटी वीडियो भी बोलते हैं। रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट में बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसका आप उपयोग मल्टीमीडिया बनाने में कर सकते हैं। इसके अलावा भी एनिमेशन है, आप देखेंगे कि बहुत सारे साइंस के कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है जो एनिमेशन के द्वारा समझाया गया है, इनका भी उपयोग आप मल्टीमीडिया बनाने में कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो, जैसे कि मैंने अभी आपको जिक्र किया, आप अपने स्मार्टफोन से वीडियो बना सकते हैं। टेक्स्ट मैटर, जैसे मान लीजिए कोई परिभाषा है, कोई लॉज है, किसी का स्टेटमेंट है जो टेक्स्ट रूप में बच्चों को पता होना चाहिए, जिसको आप टाइप करके मल्टीमीडिया कंटेंट में डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे गेम्स, यानी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको छोटे छोटे गेम के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से, ऑब्वियसली ये एनिमेटेड है जिसको हम गेमिफिकेशन करते हैं, ये भी उपलब्ध है। इनका उपयोग भी आप मल्टीमीडिया में इनपुट मटेरियल के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर भी आज उपलब्ध है जिसका उपयोग आप जरूर करें मल्टीमीडिया बनाने के लिए। साथ ही में इमेज, जब भी हम कोई कंटेंट बनाते हैं इसमें इमेज का एक महत्वपूर्ण रोल होता है और ढेरों इमेज की हमको आवश्यकता है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, या सिविक्स हो, या साइंस हो, या लैंग्वेज हो, इसमें इमेज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कंटेंट को विजुलाइज करने के लिए। इन इमेज का भी आप उपयोग कर सकते हैं मल्टीमीडिया को तैयार करने में। साथियों, अब जब कोई मल्टीमीडिया कंटेंट बनाते हैं तब आप बहुत सारे इमेज आप यूज कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हमें जब कोई इमेज की आवश्यकता होती है हम क्या करते हैं कि गूगल में जाते हैं और इमेज में जाके उस इमेज को सर्च, कोई भी इमेज सर्च करते हैं, जो हमें पसंद आता है उसको मैं यूज कर लेता हूँ। साथियों, इस प्रकार के कोई भी इमेज बिना जांच किए उपयोग करना ये कॉपीराइट का उल्लंघन है। कोई भी इमेज का उपयोग करने के पहले हमें ये देख लेना पड़ेगा कि ये कॉपीराइट फ्री है, यानी कि क्रिएटिव कॉमन्स के इमेज है कि नहीं। इसको जब तक वो क्रिएटिव कॉमन्स के इमेज ही आप केवल यूज कर सकते हैं और इसके लिए हमको गूगल में जाके सबसे पहले आप इमेज में जाके आप क्लिक करेंगे तब आपको, जैसे आपने इसमें क्लिक किए तो
तब आपको एक स्क्रीन आपको ओपन होगा, ये देखिए स्क्रीन ओपन हो रहा है, और यहां पर हमें कोई इमेज की जरूरत है तब हम उसको टाइप करेंगे। मान लीजिए मुझे ताजमहल की इमेज की जरूरत है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ताजमहल। अब देखिए मैंने एंटर दबाया, अब ये देखिए ढेरों ताजमहल के चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कोई भी चित्र मैं यूज कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से कॉपीराइट फ्री कौन सा है। इसके लिए हमें सबसे पहले टूल्स में जाना पड़ेगा। ये देखिए राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है टूल्स, ये टूल्स में मैंने क्लिक किया, और उसके बाद देखिए यूजर्स राइट्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए इसमें मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने से ये देखिए सेकेंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। इस क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस को जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब हमारे पास ये देखिए जो इमेज अभी हमारे स्क्रीन पे है ये सब क्रिएटिव कॉमन्स का इमेज है, यानी कि इन इमेजों का यदि मैं उपयोग करता हूँ तो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन साथियों याद रखें, इनमें से जो भी यूज आप करेंगे उसको आप नीचे क्रेडिट जरूर दें। देखिए यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई दे रहा है क्रिएटिव कॉमन्स का है, ये विकीमीडिया से है, wikimedia.org लिखा हुआ है। ये इमेज को यदि मैं यूज करता हूँ तो जब इमेज हम यूज करेंगे उसके नीचे विकीमीडिया को हमको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। इस तरह से हमको सीसी इमेज ही केवल मल्टीमीडिया बनाते समय यूज करना चाहिए। साथियों आपने अभी देखा है कि किस तरह से गूगल में जाके हम सीसी इमेज हम यूज करेंगे। इसी प्रकार यदि हमको कोई यूट्यूब से हमको वीडियो चाहिए किसी कॉन्सेप्ट पर, तब हम क्या करते हैं कि हम यूट्यूब में जाते हैं और उस कॉन्सेप्ट को हम टाइप करते हैं, और फिर जो भी बहुत सारे हमको वीडियो दिखाई देता है उन वीडियो का हम यूज कर सकते हैं। साथियों ये गलत है, ये कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है। तो कोई भी वीडियो हम यूज करने के पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या वो वीडियो कॉपीराइट फ्री है या नहीं। तो इसके लिए हम चलिए सबसे पहले चलते हैं यूट्यूब में। इसके लिए मैं यहाँ पर अभी टाइप कर रहूँगा यूट्यूब, मैंने पहले चैनल में मैं जा रहा हूँ। ये देखिए अभी हमारे सामने यूट्यूब का विंडो ओपन है। अभी ये सर्च में जाकर मैं टाइप कर रहा हूँ लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंटर दबाया, ये देखिए मैं सिलेक्ट किया लॉज ऑफ फ्रिक्शन, और ये देखिए ढेर सारे वीडियो हमको दिखाई दे रहा है। तो क्या कोई भी वीडियो मैं यूज कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा वीडियो जो है कि आपका कॉपीराइट फ्री है। इसके लिए मुझे सबसे पहले हमको जाना होगा फिल्टर पे। ये देखिए ऊपर में लेफ्ट साइड में टॉप में देखिए आपको फिल्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस फिल्टर ऑप्शन में जाके मैं अभी क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया फिल्टर में, और अब देखिए यहाँ पर फीचर्स में देखिए नीचे देखिए क्रिएटिव कॉमन्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जब सी मैंने क्रिएटिव कॉमन्स को क्लियर किया तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन के जो कॉपीराइट फ्री कंटेंट है वीडियो है ये हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए ढेर सारे, अब इनमें से हमको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी वीडियो हमारे लिए उपयोगी है। मान लीजिए ये प्रथम वीडियो को मैंने क्लिक करता हूँ जो कि कॉपीराइट फ्री है, ये मैंने देख लिया पहले ही। ये देखिए अब देखिए इसमें देखिए नीचे एक ऑप्शंस आपको आ रहा है अभी शो मोर। ठीक है, ये नीचे जो शो मोर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है creativecommons.org, ये लाइसेंस फ्री है, इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि इस प्रकार के वीडियो का यूज करके हम किसी प्रकार के आय नहीं कर सकते। यदि मैं इससे कोई पैसा मैं ले रहा हूँ किसी से तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन वीडियो का यूज करने के बाद आप जरूर नीचे इनको क्रेडिट जरूर दीजिए, ये वीडियो आपने कहाँ से लिया, किसका वीडियो है, तो ये देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।